व्हाट्स अप गाइस, एमजीओ की एक बहुत 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 कितनी नहीं बता रही बहुत पुरानी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं मकान मालिक पे। तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहे तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। देखो आम जैसा हुआ है वैसा होना नहीं चाहिए आगे, बता दे रहे हैं समझे? यार धीरे बोला करो, थोड़ा धीरे नहीं बोल पाएंगे हम तो। ठीक है चिल्लाओ फिर, पूरे मोहल्ले में बताओ कि हाँ लड़ाई हो रही इनके यहाँ आज। हाँ तो वो तो बताएंगे ही, और पता भी चलना चाहिए जो आज तुमने किया है। क्यों ना बताएं? मतलब सब्जी मंडी में हमको साइकिल से गिरा दिया और घर तक चले आए, कोई फर्क ही नहीं है। इनकी साइकिल में पीछे कैरियल पे बैठी महिला अचानक से गिर जाती है, इनको पता ही नहीं चलता है। तो काम है पीछे आंखी लगी जो पता चल जाएगा। पीछे आंखी नहीं लगी तो धक्का तो लगा होगा, हल्का तो लगा होगा। दिमाग है नहीं कि भूसा है? भूसा। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है, गिर रही तो गिरने दो, मर रही तो मरने दो। चले आ रहे हैं पंडित जी, पैडल मारते चुटिया हिलाते। ए, तुम लोगों के ना हम इतनी तेज कंटाप मारेंगे ना तो तुम्हारे गाल में छेद हो जाएगा। मार कंटाप खींच के। तो मकान मालिक पक्की बात, यहाँ मारपीट हो रही क्या? मारपीट हो या नाच गाना हो आपसे क्या मतलब है? अरे हम मकान मालिक हैं भाई। मकान मालिक है तो क्या करें, आरती उतारे। हम तो खाली धनिया लेने आए थे। तो धनिया लेने आए थे तो मुंह काहे बना रहे पागलों जैसा? नहीं है धनिया। रो तो आप काहे बता रहे हैं? भाभी जी बताएंगी धनिया है कि नहीं है। खाना हम बनाते ना, हमको पता है। भागो यहाँ से। भाई साहब एक बात बोले। नहीं हमको कोई बात नहीं सुनी, भड़ो। अरे आप बड़े बदतमीज हैं। ही गया फिर भी। जा तो रहे लेकिन आपको बात करने की तमीज नहीं है। जाते जाते भी बोलता जा रहा है। कलेश करो। ए, इधर देखो खाना तुम बनाते हो। काहे कल बनाया नहीं था? चाय बनाई थी। मतलब यहाँ मर मर घिस घिस खाना बनाए हम, क्रेडिट लो तुम। अरे यार धीरे बोला करो यार, तुम्हारी आवाज हमको बहुत चुभने लगती है। आजकल बहुत चुभ रही तुमको हमारी आवाज है? हाँ चुभ रही तुम्हारी आवाज। हाँ तो मार देगा कंटाप खींच के। फिर आ गया, फिर आ गया। अब क्या मांगना है? भाभी जी भी फुल फॉर्म में है। अरे राम अभी बेइज्जती करके भेजा था, लेकिन कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं कि क्या बताएं हम। क्या है अब? अरे हम खाली बैठे थे तो सोचे किराया ही ले ले जाके। किराया ही ले ले जाके? आज कितनी तारीख है? 1 तारीख हो गई है तो आज 26, लेकिन सिलेंडर वाला आया है ना तो पैसे मांग रहा। हम सोचे यहीं से लेके दे दें। यहीं से लेके दे दें, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। कैसे बोलते? मतलब अगर हम किराया नहीं देंगे तो आपके यहाँ सिलेंडर नहीं आएगा, ना ही आपके यहाँ चूल्हा जलेगा, ना ही खाना बनेगा। ऐसा नहीं है, चूल्हा काहे नहीं जलेगा? शांत रहिए आप। मतलब आप इतने घटिया किस्म के इंसान हैं, हमको ये आदत आपकी इतनी घटिया लगती है कि अगर सब्जी लेनी है तो किराया लेके दे दें, बच्चों की फीस भरनी है किराया लेके भरवा लें, जूता सिलवाना है किराया लेके सिलवा लें। मतलब अपने जीवन यापन का कोई भी काम करवाना होगा तो किराया लेके करवा लें, शर्म भी नहीं आती है। मकान मालिक की आपसे ज्यादा घटिया आदमी हमने देखा नहीं, हम आपको बताए दे रहे हैं। हैवी क्या है अब? लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। केबीसी वाले में भी है लैंग्वेज भाई साहब। मम्मी ये हमारी खोपड़ी दीवार में लड़ाए दे रहे हैं। तुम भी लड़ाते हो खोपड़ी? ठीक मम्मी। बस तुम लोग यही करो अब। मतलब हम क्या बताएं यार, इधर तुम्हारे पापा से परेशान, उधर मकान मालिक से परेशान, इधर तुम लोग परेशान करते हो मम्मी ये मम्मी वो। यार मम्मी मम्मी मर जा मम्मी। अरे यार हम तुमको कितनी बार बताएं, इतना ज्यादा चिल्लाती हो। ठीक है अब हम चिल्लाएंगे नहीं, खोपड़ी फोड़ेंगे। ठीक है फोड़ खोपड़ी, फोड़ खोपड़ी। रुको अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते कहाँ। रुको अरे 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 रुको अरे अरे नहीं नहीं रुको। ओह ये गया, गुड शॉट गया।
बहुत गंदी। अरे हम तेल लेने आए थे। पांच मिनट में क्या क्या लेने आ गए, इसका इलाज हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई साहब मकान मालिक बेचारा गजब, मुझे लग ही रहा था ये पिटेगा या कुछ होगा। देखो आखिर में पिट गया, लेकिन अनजाने में पिटा, फिर भी बच गया। वो दो वो है ना मियां बीवी के बीच में जो भी आता है भाई साहब वो सुनता ही है। वहाँ बच्चे सही स्वाद ले रहे थे टू बी फ्रैंक। लेकिन ये चीज में कुछ होते हैं मकान वाले कैसे, जो भाई साहब किराया हो गया हो तो देखना सिलेंडर वाला है लेके। और भाई साहब मुझे लगता है कि ये जो रिवाज है ना, ये इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, ये रहती है थोड़ी सी। हाँ। यार हमारे यहाँ पर थोड़ी सी खराब खत्म हो गई है, लेकिन दही और चीनी लेने तो इंडिया में ही आते हैं आसपास में, और कहीं नहीं जाते होंगे। और ये तो हमने भी देखा, भी हम भी मांगे आते थे दही जमानी एंटी, थोड़ी सी दही देना, खट्टा खट्टा भी कहते हैं दही जमाने के लिए। बाकी बढ़िया थी। साइकिल से भाई को गिर जाए तो पता लग जाता बिल्कुल ही पता, क्योंकि एकदम से आपके लिए इजी हो जाती है वो चलानी। तो ये चीज़ उसको वो फ्रस्ट्रेटेड सोच रहा है गिर गुर के कहीं हमेशा एक कैरेक्टर तो बिल्कुल हंसता ऐसे रहेगा और दूसरा बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन इसमें हंसने वाले बच्चे ही थे और मकान वाले भी थे। भाई साहब ईट पड़ गई उसके, और वो डायलॉग बहुत दिनों बाद सुनने को मिला। वो लैंग्वेज बोल के बताइए, मैंने बोलना पड़ेगा पक्की बात यार, बोल दे यार डायलॉग यार। बाय यार, तो बहुत बुरी है दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। कोई पुरानी वीडियो सर्च करना चाहे तो जरूर कर देना। बोल दे डालो, नहीं बोलूंगी। भाई साहब जिद्दी और जिद्दी, मैं आप समझ गए कितनी जिद्दी है ये। नहीं बोलूंगी। बाय, टेक केयर।